है बटरफ्लाई, हम सब क्या देख रहे थे? BTS और ब्लैकपिंक के मोमेंट, जो कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। एनीवे, हियर वी गो। जंगकुक गए थे कोचिला फेस्टिवल देखने, जहाँ ब्लैकपिंक का भी कॉन्सर्ट था। वैसे JK स्पेशली गए थे किड लोराई के लिए, जिनकी परफॉर्मेंस ब्लैकपिंक से पहले थी। हाँ, वही किड लोराई जिनका बाद में JK के साथ सॉन्ग आया था टू मच। BTS जब खुलकर लिसा की स्पीच पर हंस रहे थे, BTS क्या सब लोग हंस रहे थे, क्योंकि लिसा थाईलैंड की है ना, तो वो थाई में बोल रही थी। एक लाइन थाई में, एक कोरियन में, जो बड़ा क्यूट लग रहा था। अब किसी को तो थाई आती नहीं है, तो MC बीच बीच में टोक रहा था, क्या बोला आपने, क्या कहा? मैं खुद इतनी ज़ोर से हंस रही थी। वी और सुगा का रिएक्शन देखने लायक है, शी इज़ क्यूट। और जंगकुक को तो पूरे डांस स्टेप और लिरिक्स याद होंगे। 2016, 2017 और 2018, ये तीनों साल आइडल के लिए बहुत अच्छे थे, क्योंकि तब ब्लैकपिंक और BTS दोनों के ही फैंस कम थे, तो टॉक्सिस फैन भी कम थे, इसलिए मेंबर खुलकर परफॉर्मेंस एंजॉय करते थे। और हम चले जा रहे हैं कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए। हांग पीछाओ, JK और Jimin तुम दोनों अलग ग्रुप में हो क्या? अब ठीक है, हाई हेलो तो कुछ करोगे नहीं तुम दोनों ग्रुप। और Jimin और रोज भाई बहन जैसे लग रहे हैं, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। बस हो गया, इस बार तो जो थोड़ा झुक कर ग्रीट करते हैं वो भी नहीं किया। नामजून भी जेहोप जिन रोज की परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे हैं। यीशु कह रही है वाह, मैं सच में बोबोशिप द स्टेज मिस कर रही हूँ। ओ जीशु, मैंने सुना है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, प्लीज़ मेरे बोबो शिब्दा के लिए वेट करें जिसे आप मिस कर रही हैं। नामजून स्वैग रिप्लाई देने की कोशिश कर रहे थे। जीशु कहाँ है? वो स्टेज के लिए चली गई। ओ फाइनली वो ब्लैकपिंक बन गई, जिसके बहुत इंटरनेशनल फैंस हैं। MC जीशु नहीं, ब्लैकपिंक की परफॉर्मेंस थी जिसके लिए जीशु चली गई थी। जीशु तुमने बहुत पसीना बहाया, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? हम दोनों साथ में अच्छा टाइम बिता रहे थे। एज एक्सपेक्टेड, जब हम तीन MC है तो मुझे दूर नहीं रहना चाहिए। मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या मैं तुम लोगों से पूछ सकता हूँ? क्या तुम दोनों सिबलिंग्स हो? हमारी जीशु आमतौर पर मेरी नॉटी लिटिल सिस्टर की तरह है, लेकिन सच कहूँ तो वो स्टेज पर बहुत ब्यूटीफुल है। RM एंड जेनी एट W कोरिया इवेंट। अब ये बात और है कि दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, ये कहो कि बात करना नहीं चाहते थे। वंस अगेन नामजून एंड जंगकुक ऑल्सो वी एंजॉय कर रहे हैं ब्लैकपिंक की परफॉर्मेंस। इस दुनिया में टॉक्सिस फैन ना होते तो कितना अच्छा होता। लिसा एंजॉय कर रही है DNA परफॉर्मेंस। जेनी रोज JK वी और VK वोगा के दोस्त हेयर स्टाइल के कॉन्सर्ट में। कोरिया में किसी अमेरिकन सिंगर का कॉन्सर्ट हो और आधे से ज़्यादा K-pop आर्टिस्ट वहाँ ना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इतने आइडल पहुँच जाते हैं अमेरिकन आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट देखने। और ये क्या था, ऐसा लग रहा था जैसे Jimin हेलो कहने वाले हैं। Jimin ने ऐसा जानबूझ के किया होगा। हाँ ये नॉटी और क्यूट है। और जीशु बहुत MC बनती थी, मतलब वो MC बनने में बहुत अच्छी थी। ऐसे मोमेंट पर हमेशा जेहोप को नोटिस करना चाहिए, वो अचानक कहीं से भी निकल आते हैं, देखा क्यूट। 7 महीने बाद तुम अपने न्यू सिंगल्स के साथ वापस आए हो, क्या आप अपने फैंस आर्मी से कुछ कहना पसंद करेंगे? हमें उम्मीद है कि हमारा न्यू सॉन्ग वेट करने के लायक रहा होगा। लिसा और थ्योंगी सेलिन के फैशन शो के बाद नाइट क्लब पार्टी में, जहाँ उन्होंने पोल डांस भी किया था। डांस क्या किया था, थोड़ा ट्राई किया था।
जनरली आइडल्स इस तरह की पार्टी अटेंड नहीं करते हैं, पर चूंकि ये दोनों नए थे तो पार्टी में जाने के लिए हाँ कह दिया होगा। पेरिस बहुत ओपन देश है, बहुत ज़्यादा ओपन। वहाँ की पार्टियाँ काफ़ी यू नो अडल्ट टाइप रहती है, यू नो न्यूड पार्टी। आदमी लोग भी गर्ल्स की ब्रा पहन के गंदा सा डांस करते हैं। इस तरह की पार्टी सिर्फ मॉडल्स के लिए होती है। इसलिए जब मुझे पहली बार पता चला कि ये दोनों पेरिस की नाइट पार्टी में थे, वो भी मॉडल वाली नाइट पार्टी में, थोड़ी देर के लिए मैं भी हैरान हो गई थी। फिर ध्यान आया, आह ये पहली बार पेरिस फैशन शो में गए हैं, शायद इन्हें यहाँ की पार्टी के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, और सच में इनको पता नहीं होगा, इसलिए नेक्स्ट टाइम ये नहीं गए। एनीवे, आपके साथ BTS ब्लैकपिंक मोमेंट देखने में मज़ा आया। आई विश कि दोनों ग्रुप के टॉक्सिस फैन को समझ आए और दोनों एक दूसरे से लड़ना छोड़ दें। मुझे खुशी है मेरे चैनल पर ऐसे लोग हैं जिनके अंदर किसी तरह की नफरत या जलन नहीं है। चैनल को अच्छा बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन फिर मिलते हैं, टेक केयर, सी यू अगेन।